साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की। और जिसने भी सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म भर रखा है और जो है उसकी परीक्षाएं दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक होनी थी, तो दिसंबर में किस डेट से संभावना बन रही है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट केवीएस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो वो भर दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी अप्रैल या जून में होने की संभावना है। साथ ही अगर कोई बच्चा डीएलएड का है और उसकी बैक लग चुकी थी, उसने स्क्रूटनिंग का फॉर्म फिल किया था, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी 19 से स्टार्ट हो जाएगी। 19 से आपकी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट होगी, 19, 20, 21, और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 22, 23 और 24 दिसंबर को होनी तय है। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं और परीक्षा का कुछ भी अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो है सहायता प्राप्त टीजीटी पीजीटी यानी प्रवक्ता 2022 के तहत आवेदन कराए गए थे, इसमें तकरीबन 1 अरब रुपए जो है कमा लिए हैं, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी फॉर्म भर के परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। 16 जून से लेकर के 16 जुलाई तक आपके ये फॉर्म फिल करे गए थे और इसको बढ़ा करके आपका 16 अगस्त कर दिया गया था, यानी 2 मंथ के करीब आपके फॉर्म भरे गए थे। छात्रों को लगातार आश्वासन मिल रहा है और परीक्षा का कुछ भी अता पता नहीं है। सीटेट की परीक्षाएं 25 दिसंबर से संभावना इसलिए बताई जा रही है क्योंकि डीएलएड की परीक्षा 19 से स्टार्ट होगी, 19 से स्टार्ट होकर के 24 दिसंबर तक चलने वाली है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहा है तो ज़रूरी है उसने सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा। ठीक, इसके बारे पीएनपी और सीबीएसई जानता है। 24 दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो संभावना है पूरी कि आपका 25 दिसंबर से सीटेट की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर से जनवरी तक चलनी थी। पिछली बार डीएलएड के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आपका जो बैक की परीक्षाएं थी उसके एग्ज़ाम होने से लगभग 2 दिन पहले आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था, तो अब की बार भी संभावना है कि 15 तारीख के आसपास तक यानी 15 दिसंबर के आसपास तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। अभी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया चली हुई है और 15 तारीख तक आपका एग्ज़ाम का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ की जो परीक्षाएं हैं वो आपको मैंने बता दी है, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। कोई भी आपका कमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, जल्दी उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।